2018 में एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैं रेसलिंग करता था, मेरा नेशनल में मेडल है मेरा, और मैं भी तीरंदाजी करने की सोच रहा हूँ व्हील चेयर से। प्रवीण जी है यहाँ पर, रेसलिंग बॉय नेशनल लेवल में खेल चुके हैं, उनके साथ कुछ दुखद घटना हुई एक्सीडेंट के बाद, वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि अगर मैं रेसलिंग नहीं भी कर पाऊंगा तो मैं तीरंदाजी में जाऊंगा और फिर देश के लिए खेलूंगा, फिर मेडल लेके आऊंगा। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए एक बार। क्या है आपको पैरों में, क्या प्रॉब्लम है? मेरी नस फट गई थी। अच्छा। कमर की, पैर चलने बंद हो गए मेरे। काफ़ी इंस्पिरेशन भी लिए हैं हमें इनर व्हील क्लब से, मेनली मधु नागपाल जी से, और काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी इनर व्हील क्लब ज्वाइन करने का, लेकिन ऐसा कोई मौका आता नहीं था। तो फिर एक ऐसा मौका आ गया तो हम लोगों ने सोचा है कि जब हम इससे जुड़े गए हैं तो फिर अच्छे से अच्छा काम करें, जो कि आदत है काम करने की, और शुरू से ही 25-30 साल से हम लोग कर रहे हैं काम। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, है दिल की आरज़ू के मैं सरी ओ नीर मेरी, तू हंसती रह तेरी आँख गड़ी बड़ी मुन्ना, मैं मिलता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला सुनना हो, ऐ मेरे जमीन में धूप मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क पर पीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के फूल कहे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे हमें हासिल करना है। इट्स द ओनली बिगिनिंग। इस साल हमने लिया है ममता मिशन, जो है अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन, के उनको फॉस्टर होम्स दिया जाए, उनको घर और परिवार दिया जाए। और आज के इस जो हमने कॉस्मोपॉलिटन ने, गुलनार ने और इनके क्लब मेंबर्स ने जो प्रोजेक्ट करा है, इससे मैं अत्यंत खुश हूँ, क्योंकि हमें ये करना है कि सिर्फ व्हील चेयर दे के यहाँ मामला खत्म नहीं, हमने इनको अडॉप्ट करना है, इनके आगे परवरिश करनी है, कहाँ कहाँ इनको हम हेल्प कर सकते हैं, whether it is cricket, whether it is archery, young lady wants to be a doctor, किराने की दुकान, हम सब चीज में आगे भी इनकी मदद करते हैं, इसका पूरा विश्वास देना चाहते हैं। मतलब कब से ये स्टार्ट कर रहे हैं आप? और ये एक बहुत ही अत्यंत नया क्लब है, सिर्फ 4 महीने पुराना है, और इनका हौसला इतना बुलंद है क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने में जुटे हुए हैं। और ये जो क्लब अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलनार और सबके साथ मिलजुल के ये बहुत अत्यंत अच्छा काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ विलेज डेवलपमेंट, अब हमने ले लिए हैं 15 गांव हैं जो दिल्ली के पेरिफरी में हैं जिनको हमने अडॉप्ट करा, सैनिटेशन, पॉन्ड क्लीनिंग, उनके घर मरम्मत करने, बेटर सीड्स, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके स्कूल्स को ठीक कराया, पंचायत के साथ हम मिलके उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अरीना, स्पोर्ट्स क्लब भी बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत काम है और ये आगे बढ़ बढ़ के जुटे हुए हैं इस मुहिम में, और हम I'm sure we'll be successful. कहीं ना कहीं छोटा सा हो पर हमारा आहुति हर काम में है। मधु नागपाल मैम दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा और एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप पूरे समाज को, पूरे देश भर की जनता को एक मैसेज दीजिए ताकि आने वाले दिनों में उनको भी इंस्पिरेशन मिले। आप जैसे महान काम में जुड़ी हुई हैं और आगे भी करेंगी, प्रतिश्रुति आप दे रही हैं, तो इस प्रकार से और लोगों को भी आप कुछ मैसेज दीजिए, मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो इनर व्हील है, जिसमें यहाँ दिल्ली के अंदर हम 2200 मेंबर्स हैं, बहुत कम इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं, बहुत कम इसके अंदर वर्किंग वुमेन हैं, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, और ये अपना टाइम घर के कामों से निकाल के, अपने पॉकेट मनी से निकाल के कुछ ना कुछ पैसा जोड़ती हैं और आगे बढ़ के काम करती हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक एक लेडी जो अपने घर से निकल के कहीं भी एक छोटा सा भी काम करेगी, हाथ जोड़ के हम से इन सब से विनती है कि आइए हमसे मिलिए और हम आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हर एक अपने घर से निकलनी चाहिए और इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहिए हम सबका।
और मिर्जा मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैम के साथ आप जुड़ गई हैं और आगे भी और भी अच्छा काम करने जा रही हैं, तो किस तरीके से हौसला अफजाई के लिए और भी महिलाओं को मैम भी प्रेरित कर रही हैं, आप क्या बोलेंगी? और भी सभी से मैं बात करूंगा। एक्चुअली तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है हमें इनर व्हील क्लब से, मेनली मधु नागपाल जी से, और काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी इनर व्हील क्लब ज्वाइन करने का, लेकिन ऐसा कोई मौका आता नहीं था। तो फिर एक ऐसा मौका आ गया तो हम लोगों ने सोचा है कि जब हम इससे जुड़ ही गए हैं तो फिर अच्छे से अच्छा काम करें, जो कि आदत है काम करने की, और शुरू से ही 25-30 साल से हम लोग कर रहे हैं काम। और मेनली हमारा एनवायरनमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस है, जो कि जब शीला दीक्षित का से नो टू फाइव क्रैकर्स वगैरह आया तो वो प्रोजेक्ट मैंने ही बना के उनको दिया था, से नो टू फाइव क्रैकर्स एंड से नो टू पॉली बैग्स। उस जमाने में पॉली बैग्स पर इतना स्ट्रेस था कि बंद किया जाए। हम लोगों ने 15 साल पहले कपड़े के थैले बना बना के शॉपकीपर्स को दिए थे, जो कि अब फिर इनर व्हील क्लब यही कर रहे हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री इंडिया का इन्होंने हम लोगों ने नारा दिया है, एक मुहिम है। और मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान ने उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग धोबी घाट गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने धोबियों को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप पानी कैसे बचा सकते हैं धोते हुए, और क्योंकि वो वैसा मलेरिया और डेंगू प्रोन एरिया है तो हम लोगों ने वहाँ पर मॉस्किटो रिपेलेंट भी काफ़ी उन लोगों को बांटे, और उनकी जो महिलाएं उनको ये बताया कि इसको कैसे पानी की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके एयर पोल्यूशन को के अलावा वाटर पोल्यूशन को कैसे इम्प्रूव करें, तो वो हम सब उनको बता के आए थे। मेनली 25 साल से एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। जब बसंत कुंज के मॉल आए थे तो हम लोगों ने धरना दिया था कि यहाँ मॉल बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिज एरिया है और ग्रीन एरिया है तो वो यहाँ पर किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी और बुलाकर यहाँ पर मॉल आ ही गए। इस तरीके से जो एनवायरनमेंट पर बहुत स्ट्रेस है, उसके अलावा जब इनर व्हील क्लब में इतनी थीम्स हैं तो उस थीम्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम। और मैम क्या नाम है? फातिमा खानम। फातिमा जी क्या बोलेंगे आप? मेरे पास तो लफ्ज नहीं, मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि नारी शक्ति को देख के और इतनी जो हौसला अफजाई के लिए आज जो बढ़ावा दे रहे हैं, व्हीलचेयर एक बात नहीं है, जो मुहिम और इतने वर्षों से लगे हुए हैं समाज सेवा और खासकर एनवायरमेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए तमाम जितने भी एजेंडे हैं इनके, वो सारे के सारे मेरे हिसाब से नहीं और इनकी बातों से भी पता चलता है कि बहुत वर्षों से जो ये सोच और विचारधारा के साथ चलते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसी रास्ते में चलते आ रहे थे। एक चैलेंज भी आता है कि इस उम्र के वर्ग के लोग, यानी कि 30-40 से जब पार कर जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच और एक एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, बट मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि इसकी जो एनर्जी लेवल जो दुगना मेरे को दिखाई दे रहा है। क्या मैसेज रहेगा? दुगना इसलिए है क्योंकि हर एक में वही जज्बा है। एक ही लेवल का जज्बा जब होता है और वो जब एक ग्रुप एक समूह में आते हैं तो फिर हर चीज इम्पॉसिबल है। Exactly. सब कुछ आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, जो इस खासियत है इस ग्रुप की, जो दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन हमारा ग्रुप है, इनर व्हील का एक ब्रांच है, वो उस कहते ना एक बर्गर का पेड़ होता है, वो है हमारा इनर व्हील, और उसकी छाया में ये एक छोटा सा प्लांट पनप रहा है, और उसने पकड़ इतनी अच्छी से ली है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं सारी, हम मेंबर्स जो हैं और हमारी जो प्रेजेंट है, वो एक ही सोच एक ही विचारधारा के तहत अपना ये काम शुरू किया सबने। देखिए आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को तो आप आसान है तोड़ना, लेकिन अगर उसे 10 कर दिया तो तोड़ना मुश्किल है। एकता में बल उसका सही जो एग्जांपल है वो ये है, हमारी जो ये मुहिम है राइट ग्रुप टू शो द होल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये गलत है कहना कि औरतों में यूनिटी नहीं होती, औरतों में सबसे ज्यादा यूनिटी होती है। देखिए जब एकजुट होकर करती हैं तो क्या क्या कारनामे कर सकती हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे हमें हासिल करना है। बिगनिंग तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना बाकी रहेगा। आपसे भी कुछ संदेश जाना चाहिए। क्या नाम है? अलकादम। अलकादम कुछ संदेश दीजिए आपने। एक्चुअली हम इनर व्हील क्लब से जुड़े हैं, ये तो इंटरनेशनल एक संस्था है, ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, बहुत पुरानी भी है, काफी सालों से है, लेकिन जब से हम जुड़े हैं हमें लगता ही नहीं कि हम 50 के इधर हो गए हैं। हमें लगता है अभी हमारा 15वां साल शुरू हो रहा है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इतना जज्बा है हमारा करने में कि
हम ये सोचते ही नहीं कि ये काम, अरे ये काम क्या है, ये तो हम कर लेंगे, ये क्या है? और बता आगे, और आगे, और आगे. तो हम लोग रोज यही प्लानिंग करते हैं, अच्छा ये तो और क्लब कर रहे हैं, हम क्या नया कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है हमारे क्लब की यही है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट न्यू, क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी यहाँ हर बंदे में इतनी है कि समझ नहीं आता किसको मना करें और किसको आगे लाएं. तो उससे हमारी कई बारी वो भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन खैर वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारे काम के वर्किंग के वो हैं एनी हाउ. लेकिन हम जब इनकी, मैंने उस दिन पढ़ा, राइट अप सारा इन पर था, मिस मधु नागपाल, क्योंकि हम न्यू हैं, तो मुझे इतनी उससे इंस्पिरेशन मिली, व्हेन शी कैन डू वी कैन आल्सो डू. तो ये है मेरे, हमारे, हमने ये सोचा कि जब हर इंसान कर सकता है तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. माउंट आबू हो, माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, वी कैन क्रॉस ईच एंड एवरी प्लेस, वी कैन गो. बहुत बढ़िया. तो यानी कि सोच और विचारधारा देखते रहिए हम अपने चैनल के माध्यम से. आपको बताना चाहेंगे दोबारा से कि आप जरा सोच और विचारधारा में, मानसिकता में परिवर्तन लाइए. और देखिए यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है, बहुत जबरदस्त मैसेज है. क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है कि जो लेडीज हाउस वाइफ है वो आए और आके हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम करें. जी मैम, आपका क्या रहेगा? मेरा भी सेम ही यही है कि बस सब लोग जुड़े और आगे से आगे बहुत अच्छे से अच्छा काम करें. और सब, मैं सबके लिए, सब लोग जितने लोग आए सबको थैंक यू करना चाहती हूँ. अच्छा, तो और मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि जिनको आज प्रोवाइड किए गए हैं ये जो व्हील चेयर जो प्रोवाइड किए गए हैं, उनको एक्चुअली ये जो एक सहानुभूति भी नहीं कहूंगा, सहयोग भी नहीं कहूंगा, एक छोटा सा प्रयास है इनर व्हील दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप की तरफ से. सर क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंगरा. प्रवीण जी ये बताइए, आज जो मधु मैम के ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कार्यक्रम किया गया और आपको मदद मिली, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगे और कितना सराहेंगे इनको? सराहना तो सर काफ़ी है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है मेरे को. हमारा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, अभी आगे की गेम की सोच रहा हूँ मैं. बहुत वेरी प्राउड फील हो रहा है वैसे. और जो मेरा आर्च का गेम है, तीरंदाजी का गेम है, अभी वही लेने रेसलिंग करता था मेरा, मैं नेशनल में मेडल है मेरा, और मैं अभी तीरंदाजी करने की सोच रहा हूँ व्हील चेयर से. और उसके लिए आपको बेस्ट विशेस मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा कि आप दिल छोटा ना कीजिए, क्योंकि किस्मत में जो होता है वो तो होता है. बट आपने ये जो स्विच ओवर माइंड में लाए हैं कि मैं रेसलिंग करता था बट अभी मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगा तो मैं अभी तीरंदाजी करने के लिए. जी ये जो मेरी थिंकिंग है, ये जो मैं पहले रोस्टर तक हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके हॉस्पिटल के मालिक ने मेरे को बताया था कि आपके एज के बच्चे ऐसे ऐसे खेलते हैं. तो मैंने मेरे फादर के साथ जाके देखा स्टेडियम में, काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे. दिल्ली गया, दिल्ली में आके देखा तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे खेलते हैं, वैसे करते हैं. तो फिर अभी मेरा को 70 लाख रुपए लग गए, 70 लाख. तो अभी जमींदार के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है वैसे तो. और इसीलिए मैं मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करूँगा. हम आपके साथ हैं और पूरी दुनिया आपके साथ है, चिंता ना करें. और मधु मैम के लिए मैं जानना चाहूँगा, मधु मैम के लिए क्या संदेश देंगे थोड़ा सा? मधु मैम के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये करें हैं बहुत अच्छा है, अगर हमसे जितना हो पाएगा आगे इनके साथ जुड़ेंगे. अब दुखी मत हो जाइए, परमात्मा आपके साथ है. और मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, एक इंस्पिरेशन पूरी दुनिया के लिए यहाँ से जाए. प्रवीण जी है यहाँ पर और रेसलिंग नेशनल लेवल में खेल चुके हैं. उनके साथ कुछ दुखद घटना हुई एक्सीडेंट के बाद, वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि अगर मैं रेसलिंग नहीं भी कर पाऊंगा तो मैं तीरंदाजी में जाऊंगा और फिर देश के लिए खेलूंगा, फिर मेडल लेके आऊंगा. जोरदार ताली हो जाए इनके लिए एक बार. बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बेस्ट ऑफ लक. बेटा आपका नाम क्या है? गार्गी मिश्रा. क्या बोलोगे मैम जो आज ऑर्गेनाइज करके आपको कुर्सियां वगैरह दिए हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा. और मधु मैम के लिए थैंक यू. थैंक यू करता. बाबू आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद. अच्छा, क्या है आपको, पैरों में क्या प्रॉब्लम है? मेरी नस फट गई थी. अच्छा, कमर की, तो पैर चलने बंद हो गए मेरे. तो अभी जो ये आपको कैसे चुना, आपको फोन आया था, किस तरीके से इन्होंने आपको ढूंढा और आपके हिसाब से कुर्सी बना के आपको दी मैम ने? हमने यहाँ पे बोला कि चेयर चाहिए हमें, फिर गीतले मैम के पास गए हम, फिर गीतले मैम ने बोला हमें कि हम देंगे आपको, फिर हमें बोला,
फिर मधुमेह ये सब आई। आपको आपके हिसाब से कैसा लगा और मधुमेह के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि तो ये भी थैंक यू बोलना चाह रहे हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? रामानंद नाम है। रामानंद। रामानंद जी कैसे हुआ आपके साथ, क्या हुआ? मैं सर काम कर रहा था, वो जो है बिल्डिंग का जो है 50 फीट हाइट से गिर गया था और जो है स्पाइनल में चोट लग गई सर, फ्रैक्चर हो गया था, जो है करीब 2.5 साल हो गए ऐसे। अच्छा, अभी क्या आगे कैसे क्या करेंगे? और मधु मैम ने आज आपको सहयोग किया, आपके साथ हैं अभी। जी सर, मधु मैडम को बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और जो है मैं यही चाहूँगा कि जो है जो यहाँ की टीम है आगे भी जो है हम जैसे लोगों को जो है सहयोग जो है करते रहें। थैंक यू सर।